कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज जो 10 दिन प्रीलिम्स के बचे हुए हैं उनके लिए व्यक्ति को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। 2019 का ये बात की गई थी, ये वीडियो सेशन जो है 2019 को ध्यान में रखते हुए ये पीपीटी बनाई गई थी, बट हम इसको 2020 के लिए आपके लिए इम्प्लीमेंट करके आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से 2020 में जो है आप तैयारी करें और 10 दिन की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो देखिए, इन 10 दिनों में आपको क्या क्या डू और डोंट्स हैं, आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है ये पता होना चाहिए। आप कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाएंगे, आप सी सेट को बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है सी सेट को बहुत हल्के में ले लेते हैं और सी सेट को हल्के में लेने के कारण ही उनका यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक सिंगल क्वेश्चन पे जो है वो परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए आपको ये करना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है स्किप करके दूसरे पे जाइए, क्योंकि आप उस समय का यूटिलाइजेशन दूसरे क्वेश्चन में कर सकते हैं ना। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उसके उसमें समय बर्बाद करके क्यों परेशान हो रहे हैं, और अपनी प्रिपरेशन को दूसरों के साथ मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू इट, बिकॉज आप आईएएस बनेंगे। और आपको आप आईएएस कौन बनाएगा? आपको आईएएस बनाएगा आप आईएएस, जो आपका ड्रीम है उसको लेके जाएंगे हम, आप आईएएस वाले। तो डोंट ईट अननेसेसरीली, और फूड को आप अवॉइड कीजिए, जैसे कि जंक फूड जो कि आपको बीमार कर दे। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स हैं। आपको क्या क्या करना है फ्रेंड्स, आपको करना है कि आपको टेस्ट लगाने कैसे रूटीन में, जैसे कि आपका 10 से लेके 1 बजे तक आप सी सेट लगा लीजिए, फिर उसके बाद 2 से लेके 5 बजे तक आप प्रीलिम्स का जीएस का मेंस का पेपर लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप रूटीन में 10 दिन लगातार प्रैक्टिस कीजिए कि आपके बायोलॉजिकल क्लॉक उस हिसाब से बैठने के लिए तैयार हो जाए जैसे कि आपका प्रीलिम्स का शेड्यूल दिया गया है। तो आपकी टेस्ट देते रहिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए और कि आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। सो जाइए, बहुत अच्छे से सोइए, 6 घंटे की स्लीप आप मिनिमम लीजिए। और देखिए आपको क्या नहीं करना है, आप डोंट वेक अप एट द सेम टाइम, ट्राई टू मेंटेन अ सिमिलर डे शेड्यूल एज एग्जाम डे। आपको क्या करना है कि आपको जो है उसी तरीके का शेड्यूल बनाना है जैसा मैंने आपको बताया कि 10 से लेके 1 और 2 से लेके 5। अब 10 दिन का आपका शेड्यूल क्या है, देखिए 10 डे शेड्यूल, अ गुड प्लान प्रिवेंट्स नीडलेस स्ट्रेस एंड हेल्प्स यू टू अराइव एट द एग्जाम डे एट पीक परफॉर्मेंस। अब आप ये 10 दिन का शेड्यूल आपका किस तरीके से होना चाहिए, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 डेज टू एग्जाम। पहले दिन आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है और पॉलिटी रिवाइज करनी है। दूसरे दिन आपको क्या करना है, अटेम्प्ट टेस्ट और दूसरे दिन ज्योग्राफी रिवाइज करनी है। तीसरे दिन इकोनॉमी का टेस्ट देके इकोनॉमी रिवाइज करनी है। चौथे दिन आपको क्या करना है, चौथे दिन आपको टेस्ट देके एनवायरमेंट रिवाइज करना है। पांचवें दिन आपको क्या करना है, हिस्ट्री रिवाइज करनी है। छठे दिन आपको साइंस टेक रिवाइज करना है टेस्ट देते देते। उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट दे के आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है। और लास्ट के दूसरे 2 दिनों में आपको क्या करना है, रिवाइज द सब्जेक्ट यू फाउंड मोस्ट डिफिकल्ट एंड रिवाइज द पॉइंटर्स। इसके लिए आपको बहुत ही शॉर्ट क्रिप्स नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, वो कैसे बनाने हैं उसके लिए एक अलग वीडियो में बना दूंगा। और लास्ट का जो आखिरी दिन है उस दिन आप चिल मारो, रिवाइज कर सकते हो। और यह आ गया एग्जाम का दिन, इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप आईएएस जरूर बनेंगे, आप आईएएस की टीम आपके साथ लगातार जुड़ी हुई है। तो ये आपके लिए मैं ये छोड़े जा रहा हूँ स्क्रीन पर, ताकि आप आईएएस बनने के लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। तो इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स क्या है, आपके लिए 2 इम्पॉर्टेंट नोट्स मैं छोड़े जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आपको पॉइंटर्स की सेपरेट शीट बनानी है जो कि आप लास्ट डे रिवाइज कर सके। जो चीज़ आपके नेम्स और नेशनल पार्क्स के नेम्स हैं उनको रिवाइज बार बार करना है और आप भूल जा रहे हैं, उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए अलग से। इसके अलावा क्या कीजिए कि अपने दिन को 2 हाफ में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट हाफ आप पेपर सॉल्विंग के लिए कर लीजिए, आप जैसे कि एग्जामिनेशन का शेड्यूल है उसके हिसाब से आप वो कीजिए, जैसे 9 से 11 और 2 से 2:30 से लेके 4:30। देखिए तो ये जो है इस तरीके से आप वो कर लीजिए, मगर इसमें आप क्या कर सकते हैं एक चेंज कि 2 से लेके 4 बजे तक का जो है वो सेकंड आप जो है आप अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए लगा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप आईएएस की टीम जो है लगातार क्वालिटी कंटेंट हम आपको दे सकें, जैसे कि हमारा लोगो ही है अकाउंटेबिलिटी, एश्योरिटी और प्रोफिशिएंसी। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको फर्स्ट 60 डेज में है किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स बने रहिए आप आईएएस की टीम के साथ, हम आपको लगातार इतने ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देते रहेंगे और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप आईएएस का लोगो ही आपको बताता है कि आपको आईएएस कैसे बनना है। सो फ्रेंड्स गुड बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो हमें कमेंट सेक्शन में रिव्यू ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री में यूपीएससी की तैयारी कर सके, कोचिंग का झंझट उन्हें ना पालना पड़े। धन्यवाद फ्रेंड्स, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रीलिम्स।